हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक टिक में आप लोग का स्वागत है। देखिए, ये आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मस्जिद का वायरिंग है। मस्जिद में किस तरह वायरिंग, कौन सा पॉइंट कहाँ रखा जाता है, उसको ध्यान रखते हुए बनाया गया हुआ। चलिए देखिए, आपको बतलाता हूँ, पूरा वीडियो देखे रहिए। और कुछ जानने, काम सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लिंक में जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो रखा हुआ आप लोग के लिए। वहाँ पर जाके सीख सकते हैं एसी लगाने का तरीका है, घर का वायरिंग का, लाइट वगैरह क्या करना, साथ साथ मोटर का बारे में बहुत सारा वीडियो बना कर रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये वॉल लाइट हो गया, वॉल लाइट के बगल में एक एसी का पॉइंट है, ये भी वॉल लाइट हो गया। नीचे में पावर सॉकेट है। अभी मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है, अभी ग्लास लगाना बाकी है, नीचे टाइल्स भी बाकी है, पेंट भी बाकी है। अभी सिर्फ प्राइमर मार कर रखा हुआ है कि प्लास्टर नहीं झड़ने के लिए। इधर भी देखिए, वॉल लाइट है, वॉल लाइट अभी मस्जिद से इसके लिए रखा गया है, खूबसूरत देखने के लिए। ये सीलिंग का लाइट हो गया आपका, जिधर इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं। और वीडियो में पहले नहीं दिखा सका हूँ, थोड़ा बिजी के कारण। अभी देखिए, मस्जिद में पूरा काम अभी फिनिशिंग नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काम अभी बैलेंस है। ये भी वॉल लाइट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर भी एक वॉल लाइट है, ये आपका भी स्विच का पॉइंट है। इधर भी अभी स्विच बाकी है, अभी पूरा काम बराबर फिनिशिंग नहीं हुआ है। इधर भी है, ये हमारे गांव का मस्जिद है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मस्जिद कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये स्विच हो गया अपना छतनी का, बाहर का आउटसाइड का लाइट का स्विच, और इधर रखा गया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, फिर फोल्डिंग है, काम करने के लिए बनाया गया, मचाना बोलता है इसको। ये भी है, एक एसी का पॉइंट का है, इधर स्विच है, उधर आपका एसी का पॉइंट हो गया, वॉल लाइट भी उधर, इधर भी स्विच है। इधर देखिए, ऊपर डीबी बॉक्स है, डीबी बॉक्स है, इधर भी वॉल लाइट है। ये अपना सीलिंग का लाइट है, सीलिंग का लाइट में देखिए अभी सब कुछ डेकोरेशन के साथ दिया गया है। इसमें एलईडी भी है, पंखा का भी पॉइंट है, लाइट है, थोड़ा पॉइंट ज़्यादा हो गया है, उसका पलान दूसरा था, मगर अभी इसे लगा दिया गया है। फ्यूचर में कभी भी जिप्सन का डेकोरेशन होने के बाद भी ये पॉइंट काम लगा यूज हो सकता है, इसके लिए इतना पॉइंट दिया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब से भी अच्छा अच्छा वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के लिंक में जाके और सारा वीडियो है उसमें भी देखिए। ज़रा स्विच के बारे में बताया, प्लीज़ आप उसमें भी जाके विजिट करके मेरा वीडियो देखिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसका भी पहले काम किया हुआ है, इसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गांव का है। ये आप लोग के लिए मैं अपना वीडियो बना के डाल रहा हूँ, देखने के लिए कि कैसा लगता है इधर का। देखिए, एक पैसे से बाहर निकलने के बाद सीलिंग का लाइट है, इधर स्टेयर गेज के पास है, स्टेयर गेज के ऊपर सीलिंग में भी लाइट दिया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बाहर साइड का सीन है। ये देखिए, ये फ्रंट का हो गया, ये दो स्टेयर गेज है, किधर से जाने के लिए, एक उधर से उतरने के लिए। देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, ये हाथ से किया गया, कोई जिप्सन जीआरसी नहीं लगाया गया, ये हाथ से डिज़ाइन किया गया है, कोई जिप्सन का काम नहीं हुआ है। खूबसूरत कितना लग रहा है वो देखिए आप लोग। ये पूरा लाइटिंग का काम भी किया गया है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। इंशाल्लाह पूरा काम होने के बाद आप लोग को फिर से एक वीडियो बना के रख दूंगा। देखिए अभी इस छजनी का चारों साइड से सेम होल्डर का काम किया गया है, अभी पेंट का काम बाकी है, ग्लास लगाना भी बाकी है, इसमें टाइल्स भी बाकी है। ये मेरा मेन गेट हो गया, इधर से छत पर जाने के लिए बनाया गया है। ये हो गया अपना इमाम साहब का रहने का रूम। अरे बाहर आप दिखाते हैं कि वजू बनाने का जगह, ये देखिए इधर भी छजनी का सेम काम किया गया है। जैसे नीचे में देखिए, अभी ये वजू बनाने का जगह है। इस तरह आप अच्छा अच्छा काम जानने के लिए, अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल में बने रहिए। आप लीजिए फिर, अस्सलाम वालेकुम।